वेलकम टू रश्मि किचन। आज हम रश्मि किचन में बनाएंगे आलू बोंडा, यानी कि उबले हुए आलू की पकौड़ी, जो सभी के लिए बहुत पसंद आती है। ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनेंगी, तो इनके लिए हमने बनाने के लिए क्या क्या लिया है। ये हमने ये 1.5 कप बेसन, आलू और प्याज, 2 हरी मिर्च कटे हुए। पहले हम बेसन का घोल बना लेते हैं, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन फ्लेवर के लिए, मिक्स कर लेते हैं। जब ये घोल बनाए तो एक साथ सारा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। साथ सारा पानी ऐड नहीं करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, क्योंकि हमें ये घोल गाढ़ा बनाना है, ना ही बहुत थिक होना चाहिए और ना ही एकदम से पतला होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, इसीलिए एक बार में सारा पानी ऐड ना करें, जितनी आवश्यकता हो उसी तरीके से घोल बनाते जाएं। ये घोल हमारा बनकर रेडी है, और आप देखेंगे इस तरीके का थिक घोल होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना तो थिक हो और ना ही पतला होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम साइड से रख देते हैं, हम इसे साइड से रख देंगे और बाकी तैयारी कर लेते हैं, तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। गैस ऑन करके कढ़ाई को रखा है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल, ऑयल गर्म हो चुका है। हमने इसमें 1/2 चम्मच जीरा लिया है, जीरा अच्छे से रोस्ट हो गया है, और ओनियन को रोस्ट करेंगे। हमने ये मीडियम साइज के 2 प्याज लिए हैं, इनको बारीक काट के हल्का गुलाबी हो जाए तब तक हम इनको, ये भुन चुकी है, इसमें अब हम बाकी मसाले भी ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, इन सभी को भून लेंगे। आप चाहे तो अमचूर पाउडर डालें, चाहे आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच नमक, नमक आप टेस्ट के अनुसार लें। आलू को हमने छोटा छोटा कर लिया था, कद्दूकस से ग्रेट नहीं करना है। मसाले के साथ आलूओं को मिक्स करेंगे। आलू को हमने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है फ्लेवर के लिए। ये मसाला बनकर रेडी हो चुका है, अब गैस के लिए हम ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम आलू बोंडा बनाएंगे। हमने गैस ऑन करके दूसरी कढ़ाई के लिए रख लिया है, और इस तरीके से हमने बॉल्स बनाए हैं। ये इस तरीके से लेंगे और इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। ये बॉल हमारा बनकर रेडी है, तो इसी तरीके से हम सारे आलू बोंडा बना लेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच हमने ये बेकिंग सोडा डाला है, इसको ऐड कर लेंगे, और 1 चम्मच हम ये गरम ऑयल डालेंगे। इसे फेंटने के बाद हम अपने आलू बोंडा बनाएंगे। हम इस तरीके से सारे आलू बोंडा को इस तरीके से डालते जाएंगे, फिर इन्हें छोड़ देंगे इस तरीके से छोड़ते जाएंगे, एकदम अच्छे से आलू बोंडा बनेंगे ये। एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें पलट देंगे। अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, इनके लिए हम निकाल लेंगे। ये आलू बोंडा हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं, इन्हें हम निकालेंगे। आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से हमारे आलू बोंडा बने हैं।
जितने आपकी कढ़ाई में आए उतने ही इनके लिए फ्राई करें। इसी तरीके से हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारे आलू बोंडा कितने अच्छे से बने हैं। इसी तरीके से आप भी आलू बोंडा बनाकर देखें, ये पकौड़ी बहुत टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं इनको एक बार काट के भी आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये आलू बोंडा बने हैं। इसी तरीके से आप भी अपने आलू बोंडा बनाकर खाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।